नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 18 अगस्त और रविवार। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करना चाहेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमित शाह बोले बीजेपी 25 साल और सत्ता में रहेंगी। पार्टी की जड़ें संगठन दोनों बहुत मजबूत हैं। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान होगा शुरू। भाजपा मुख्यालय में शनिवार को 17 अगस्त को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव और प्रभारी पहुंचे थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। पार्टी प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा ने बताया कि बैठक राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर की गई थी। बैठक में अमित शाह ने कहा कि 35 साल तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। बीजेपी 25 साल तक सत्ता में रहेंगी क्योंकि पार्टी की जड़ें और संगठन दोनों बहुत मजबूत हैं। बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां से जाती नहीं है और कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां फिर कभी आती नहीं है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सदस्यता अभियान है, उसके लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये जानते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर है कि सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हड़ताल। जोधपुर में 200 ऑपरेशन बंद हुए। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे अस्पताल से मांगी मदद, छुट्टियां हुई कैंसिल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई घटना के बाद राजस्थान में बवाल मच गया है। अलग अलग जिलों के रेजिडेंट पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार हड़ताल पर है। ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला। सरकारी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग पर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने ओपीडी, ओटी और जांच की सेवाएं बंद करने की घोषणा की। इसके चलते जोधपुर में 200 ऑपरेशन नहीं हो सके। अजमेर में मिलिट्री और रेलवे हॉस्पिटल से मदद मांगी गई। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में नियुक्त सभी डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को अग्रिम आदेश तक रद्द कर दिया है। साथ ही सभी को अपने कार्य क्षेत्र पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज ग्राउंड से अमर जवान ज्योति का बड़ा पैदल मार्च निकालने का जो फैसला लिया गया है। वहीं सुब्रा सिंह से मुलाकात की थी। अपनी मांगों को हमने रखा है। हमने एसीएस के माध्यम से मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात का समय मांगा है। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि जो घटना कोलकाता में हुई है उसे देखते हुए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। अगली बड़ी खबर, उदयपुर में हुआ तनाव। आरोपी स्टूडेंट्स का बुलडोजर से अवैध मकान तोड़ा गया। डॉक्टर बोले बच्चे की रिकवरी कब होगी कहना मुश्किल है। सर्च के हालात काबू में। उदयपुर में तनाव के बाद बच्चे को चाकू से साथ हुई घटना। उसकी सपाटी के अवैध घर पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। इससे पहले घर को खाली कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह वन विभाग की जमीन है। बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूलों में कैंची और चाकू लेकर जाने पर लगा बैन। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। स्टूडेंट्स का बैग हमेशा टीचर्स करेंगे चेक। शैतान स्टूडेंट पर नजर रखी जाएगी। राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई हिंसक घटनाक्रम के बाद अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक्टिव मोड में आते हुए शनिवार को शिक्षा विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्टूडेंट्स को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद अब स्टूडेंट केवल स्कूल में धारदार हथियार, चाकू, कैंची, सुरी के साथ किसी तरह की नुकीली वस्तु लेकर नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर टीचर्स द्वारा भी लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करने के साथ स्कूल बैग की चेकिंग भी की जाएगी। अगर इसके बावजूद किसी स्टूडेंट द्वारा लापरवाही की जाती है तो स्कूल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इसकी सार्वजनिक सूचना लगाई जाएगी। परिवार अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हिरण के शिकार वाली गैंग का मास्टरमाइंड कराने की दुकान वाला, रोज 6 से 7 शिकार, आवाज न हो इसलिए बंदूक की बजाय लाठियों से लेते हैं जान। बाड़मेर में हिरणों का शिकार करने वाली गैंग का मास्टरमाइंड किराने की दुकान चलाने वाला निकला है। इसका पूरा भंडाफोड़ हो चुका है। उसने हिरणों के शिकार में मोटे मुनाफे की लालच में आकर 1 साल पहले लोकल शिकारियों के साथ मिलकर गैंग बनाई थी। गैंग का मास्टरमाइंड आयदान राम इतना शातिर था कि उसकी 3 गैंग में कोई भी शख्स एक दूसरे का नाम तक नहीं जानता था, ताकि कभी कोई पकड़ा भी जाए तो पुलिस को अपने साथियों का नाम न बता पाए। वहीं अगली बड़ी खबर, आम खबर है, राजस्थान में भारी बारिश। जैसलमेर में 5 इंच पानी बरसा। जोधपुर में गांव ढाणियों में जलभराव। सवाईमाधोपुर में बाइक के साथ नदी में बहा युवक। राजस्थान में भारी बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। भयंकर बारिश तो देखने को मिल रही है। जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर के बेल्ट में 1 से लेकर 5 इंच तक बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण जैसलमेर में कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है।
इधर जोधपुर में बारिश से खेतों में भरा पानी। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में दो दिन से हो रही लगातार बारिश से गांव ढाणी और खेत जलमग्न हो गए हैं। लोहावट के पास गांव विष्णुनगर नेड़ा नगर में भी पानी भर गया है। मगरा से निकलने वाले तेज बहाव के पानी ने जोधपुर फलोदी स्टेट हाईवे रूपाणा चेताना विष्णुनगर के खेतों व ढाणियों को पानी में घेर लिया गया है। वहीं आज राजस्थान के इन जिलों में भी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के तीन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हालांकि अगले तीन से चार दिन राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 45,000 गांवों में बेघरों को प्लॉट मिलेंगे, सरकार का बड़ा फैसला। सरकार 11,000 से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे जारी करेगी। राजस्थान सरकार प्रदेश के हर गांव में बेघर और घुमंतू परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट देगी। ऐसी संख्या राजस्थान के 45,000 गांवों में बेघरों को प्लॉट दिए जाएंगे, ये 11,000 से ज्यादा पंचायतों में दिए जाएंगे। प्रदेश में 11,341 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 44,981 गांव आते हैं। इनमें एक साथ पट्टे बांटने का अभियान चलेगा। यह अभियान कब शुरू होगा और कौन से परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे, प्लॉट लाने की चर्चाएं जारी कर दी गई हैं। जिनके पास खुद के घर नहीं है ऐसे बेघर परिवारों को सरकार ग्राम सभाओं में पट्टे देगी। पंचायती राज आयुक्त और सचिव रवि जैन ने सभी जिला परिषद सीईओ को इसी सप्ताह प्लॉट देने के अभियान में काम शुरू करने को कहा है। इसके लिए जारी सर्कुलर के मुताबिक सरकार ने बेघर आवासहीन लोगों को एक अभियान चलाकर प्लॉट और पट्टा देने का फैसला किया है। वहीं अगली बड़ी खबर आम खबर है, प्रदेश में कंज्यूमर केयर अभियान की शुरुआत, 3 घंटे में होगा शिकायत का निराकरण। त्योहारी सीजन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जाएगा। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगली बड़ी खबर, महिला शिक्षकों की बल्ले बल्ले, इसी रक्षाबंधन से मिल रही है बड़ी सौगात। रक्षाबंधन के अवसर पर महिला शारीरिक शिक्षकों को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। ऐसे में अब वे भी रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भाइयों के साथ उत्सव से मना सकेंगी। वे अपने भाइयों के हाथों पर राखियां सजा सकेंगी। वहीं विद्यार्थियों भी प्रथम टेस्ट दे सकेंगे। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की तिथि में संशोधन करके नई तिथि यानी 31 अगस्त घोषित की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिला शारीरिक शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा, रक्षाबंधन से पहले हो गई बल्ले बल्ले। बता दें कि राजस्थान में रक्षाबंधन से मुख्यमंत्री सरकार ने 19 अगस्त को महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का आदेश है वो जारी कर दिया है। महिलाएं एवं लड़कियां इसी दिन प्रदेश की सीमा में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। ये सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इसके आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 19 अगस्त 2024 को प्रदेश की समस्त महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों, वातानुकूलित वॉल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 21 जिलों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब रफ्तार पकड़ेगा पीकेसी और ईआरसीबी योजना का काम। राजस्थान के 21 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पार्वती कालीसिंध संबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीबी को लेकर राजस्थान और एमपी की संयुक्त बैठक दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में हुई है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार अन्य अधिकारियों के साथ शामिल हुए हैं। दरअसल राजस्थान के 21 जिलों में पानी की समस्या दूर की जाएगी और ईआरसीबी का संशोधन किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आम खबर है, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, 10 लाख नौकरियां और युवाओं पर रहेगा फोकस, सीएम बजलाल की बैठक में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें अवैध खनन रोकना, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक पेड़ माह के अभियान, नियमित रोजगार मेलों का आयोजन और लोगों की सरकारी कामों में भागीदारी बढ़ाने जैसे विषय शामिल थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सबसे जरूरी है। उन्होंने इस पर फोकस करके काम शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास में कुशल बनाने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अगले 10 सालों में प्रदेश की बिजली मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन की योजना पर ध्यान देने की बात कही है। सरकार ने अगले 2 से 3 साल में किसानों को दिन में बिजली देने का टारगेट रखा है। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने पर भी चर्चा हुई है। इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा गया है। वृक्षारोपण महाअभियान के तहत राज्य में 7 करोड़ पेड़ लगाने और उनकी देखभाल पर बातचीत हुई है। बैठक में 2000 वन मित्र बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पांच साल में 10 लाख नौकरी देंगे, सीएम बृजलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी 5 सालों में प्रदेश में 10 लाख भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 लाख सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख भर्तियां निजी क्षेत्र में होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, अब बाजरे से बनेंगे कंटेनर, हर साल होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। सीएसआईआर ने जेएनयू जोधपुर और नागौर कॉलेज को संयुक्त रूप से दिया प्रोजेक्ट। फल और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए होगा शोध। अब बाजरे से बनाए जाएंगे कंटेनर, हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा सीधा किसानों को भी मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा। शहरी क्षेत्र के लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी यानी PMYU के तहत एक शुरुआत की गई थी। अब PMAI और 2.0 सरकार ने मंजूरी दे दी है। शहरी क्षेत्र के लोगों को घर का सपना उनका पूरा हो जाएगा, इसके लिए मोदी सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद करेगी। अगली बड़ी खबर, जोधपुर में किसानों का कॉल सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई शुरुआत, स्थानीय भाषा में मिलेगी मदद। जोधपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से अब किसानों के लिए नवाचार करते हुए किसान कॉल सेंटर की KCC का शुभारंभ किया गया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से मात्र 1 कॉल पर किसानों की खेती बाड़ी की समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। राजस्थान में किसानों के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध करवाने वाला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला संस्थान बन चुका है, जिसमें घर बैठे किसानों को 1 कॉल पर खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान एक्सपर्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महाराष्ट्र के साथ होंगे 6 सीटों पर उपचुनाव। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन संभव, लोकसभा चुनाव और विधायक मीणा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। प्रदेश के 6 सीटों पर उपचुनाव अब महाराष्ट्र के साथ होंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा की थी। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सभी अस्पताल बंद, कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर। राजस्थान में कंप्लीट शटडाउन हो गया है। SMS समेत सभी 28 अस्पतालों में 2 घंटों का कार्य बहिष्कार हुआ है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देशभर में सभी डॉक्टरों में आक्रोश है। ऐसे में राजस्थान के सभी जिलों में छुट्टियां हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उदयपुर हिंसा को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की अपील, सचिन पायलट भी बोले। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के साथ 2 छात्रों के बीच झगड़े को लेकर विकराल रूप ले लिया है। इसके चलते प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। वहीं स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां भी की हुई हैं। इस सांप्रदायिक घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि उदयपुर में बने सांप्रदायिक तनाव की हालात चिंताजनक है। मैं सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों ने दिए 90 लाख रुपए, भरतपुर से पकड़ा गया पूरा गैंग। राजस्थान के भरतपुर में दादाबाई पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर पैसे लेने वाली गैंग का खुलासा भंडाफोड़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसकी एवज में पैसे लेने का काम करती थी। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तारी में गैंग का मुख्य सरगना और 25,000 रुपये का इनामी कपिल जिंदल भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इनके कब्जे में नौकरी संबंधित कागजात और रुपये भी बरामद किए हैं। गैंग जिले के साथ बाहर के लोगों से भी लाखों रुपये की ठगी कर चुकी है। पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख